और खबर जबलपुर से है, जहां विकास सिंह की गोली मारकर हुई हत्या को लेकर मृतक विकास सिंह ठाकुर के दादा सुशील सिंह ठाकुर एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीण एसपी शिवेश सिंह बघेल को ज्ञापन देते हुए निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। जहां सुशील सिंह ने बताया कि मृतक मझौली में रिश्तेदारी से कुछ काम के लिए गया हुआ था, लौटते समय चंद्रभान सिंह, सूर्यभान सिंह, जोगिंदर सिंह ने विकास की गोली मारकर हत्या कर दी है। तो वहीं इस मामले में एड एसपी शिवेश सिंह ने बताया कि मझौली इंद्रना गनियारी में पुरानी रंजिश के चलते विकास सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जहां मुख्य आरोपी उजियार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं उसके फरार दो बेटे और भाई की सरगर्मी से पुलिस तलाश कर रही है। साथ ही घटना के संबंध में घटना स्थल के पास पूछताछ जारी है। वहीं घायल प्रशांत सिंह के भी बयान दर्ज कराए गए हैं। ये भैया मंगलवार दिन का 12 और 1 के बीच का मामला है, इंद्राने गांव में। वहां एक काम के उससे हमारे विकास सिंह नाती गए हुए थे और ये जमीनी विवाद उनका और उजियार सिंह के बीच में हल्का फुल्का चल रहा था। ये नहीं जानते थे कि इस प्रकार की घटना हो जाएगी। वो मोबाइल से बात कर रहा था, उसी बीच में वो उजियार सिंह पहले ही से फील्डिंग लगाए हुए बैठा था, पहले ही से प्लानिंग थी। 3 दिन पहले भी उसने फ़ोन पे बात की जमान साहब से, जो गाड़ी पे बैठे हुए थे। गाड़ी पे प्रशांत सिंह, किशोर सिंह और धर्मेंद्र पटेल जी, इनकी फोर व्हीलर पर बैठे विकास सिंह। जैसे ही विकास सिंह के फ़ोन पर मोबाइल पर फ़ोन आए, वैसे ही वो बात कर रहे थे, इसी बीच में वो आके और उसने राइफल से गोली मार दी। और उसके लड़के थे उसके साथ में, और एक जोगेंद्र सिंह उनके साथ में थे, जो गाड़ी चला के जैसे उसको पहली गोली लगी, वैसे ही आके जोगेंद्र सिंह ने और उनके लड़कों ने उनका हाथ पकड़ लिया। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते भैया कि जो फर्जी वो गवाह बना रहे हैं, गुना बनाए जाएं। दूसरी बात, एक बच्चे को बचाने के लिए कुछ एडवोकेट्स लोग ने यहाँ ज्ञापन दिया, उसका भी जो उनने बताया इसके पहले का, उसका वो है कि यहाँ से अभी साहब से बात हुई तो बोले इतने समय में वो पहुँच नहीं पहुँच सकता। तो आज हमने हमारे साथियों ने बोला कि साहब आप गाड़ी पर बैठिए, यदि इतने समय में ना पहुँचे तो आप ये समझिए कि वो नहीं रहा, और यदि पहुंच गए तो साहब ने आश्वस्त किया है कि हम आज आपके साथ चलेंगे तो हमारा लड़का जाएगा लेके, क्योंकि हम लोगों का तो रोज का आना जाना है, ग्रामीण क्षेत्र के हम लोग। ये मझौली में एक 302 का अपराध पंजीबद्ध है, इंद्राना चौकी अंतर्गत ये गनियारी गाँव का है। उसमें अभी एक आरोपी उजियार सिंह गिरफ्तार हो गए हैं और उनके जो पीड़ित पक्ष है उनके परिजन आ जाए थे। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की उन्होंने मांग की है, उनको आश्वासन दिया गया है कि विधिवत जांच कर और शीघ्र ही जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सर इसमें कितने आरोपी बनाए गए हैं? अभी FIR में प्रथम दृष्टिया जो है 4 आरोपी हैं जिनमें से एक गिरफ्तार है। इसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए? कितने? एक उजियार सिंह मुख्य आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। और सर अभी जो फरियादी हैं उनका ये कहना है कि जिनको चोट लगी है और उसके बाद उनकी गवाही मझौली थाना नहीं कर रही है। नहीं, वो जो घटना स्थल है, घटना स्थल पे उनकी भी की जा रही है सभी की, और घटना स्थल एक सार्वजनिक स्थल है, वहाँ पे बहुत सारी पान और इस प्रकार की सार्वजनिक दुकानें हैं, और घटना स्थल बिल्कुल घटना समय भी दिन का है, तो दुकानें खुली हुई थी और आसपास कई लोग थे, तो वहाँ के स्वतंत्र साक्षियों से भी बयान लिए जा रहे हैं और पीड़ित पक्ष द्वारा जिनका भी बताया जा रहा है वो अगर घटना स्थल पर मौजूद हैं तो उनके भी जो है विधिवत जो भी वो बयान देंगे उनके रिकॉर्ड किए जाएंगे।